मैं नहीं बोलता हूं अजा दिन सलग गईनी तो फिर सोच लिया अपन हाल, ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारा। दोस्तों अभी अभी वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा उनका नाम है पवन सिंह। इन्हें लोग भोजपुरी का सुपरस्टार कहते हैं, कुछ लोग इन्हें सेलिब्रिटी मानते हैं और इनके जो डाई हार्ड फैंस हैं वो इन्हें पावर स्टार कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये बहुत बड़े कलाकार हैं। लेकिन आजकल दोस्तों बहुतायत में बहुत सारे लोग इन्हें पियक्कड़ स्टार के नाम से भी बुलाने लगे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ये देखने को मिल रहा है कि ये पियक्कड़ स्टार नशे की हालत में वीडियो बनाते हैं और अपने मुंह से जो आता है वो हगने का काम करते हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कैसे कुछ महीने पहले भी एक बार फिर से इन्होंने नशे की हालत में कई हजार लोगों की भीड़ के सामने स्टेज शो के दौरान इन्होंने इसी प्रकार की हरकत की थी, और उस समय उन्होंने इशारों इशारों में खेसारी लाल यादव के लिए अश्लील इशारा करने का काम किया था, जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी और इनकी बहुत ज़्यादा किरकिरी भी हुई थी। और अब एक बार फिर से होली के अवसर पर इन्होंने नशा किया हुआ था, दारू पिए हुए थे और नशे की उसी हालत में इन्होंने एक लाइव वीडियो बनाई, और उस लाइव वीडियो के दौरान किसी शख्स को भले ही बेहुदा ढंग से धमकी देने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को विस्तार से एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए। मैं नहीं बोलता हूं अच्छा दिन सलग गई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल, ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारा। पवन सिंह नाम मामा नहीं, अरे दर्द है ना, हाई सर कुकुर लोग सामने ड्राइवर बक वो ये नहीं है, जिसका फैन हो उसका बड़ाई करो, उसको यहां पे रखो, लेकिन किसी और का शिकायत मत किया करो, तो बहुत मार मारा। रुक हटो 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 हट। कौन कौन सा कारनामा कर जाते हैं जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आज मैं देख रहा हूं कि कोनो सीजन आवेला कोनो उत्सव आवेला तो कारनामा होता है। होली शायद बीत गईल और हमारे भाई आज ट्रेंडिंग नंबर वन पे फिर से हमारे होली गाना को ला दिए हैं। कोई सब नहीं है, बस आई लव यू आप सभी को, आप लोग इतना प्यार करते हैं। जय हो, जय माता दी, जय श्री राम। थोड़ा सा होली का असर बा अभी। ये लीजिए आप लोग बात करिए। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने साफ साफ सुना कि कैसे पवन सिंह किसी शख्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, और नशे की हालत को तो आप बड़े ही आसानी से भांप सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि महेश पांडे नाम के कोई यूट्यूबर हैं जो खेसारी लाल यादव के फैन माने जाते हैं, उनको पवन सिंह धमकी देने का काम कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि महेश पांडे ने अपनी कुछ वीडियोस में पवन सिंह के लिए कुछ नेगेटिव बातें बोल दी, लेकिन एक यूट्यूबर की बातों से इतना ज़्यादा पवन सिंह आहत हो गए कि नशा कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, और दारू पीने के बाद इन्हें इतनी भी सुध नहीं होती है कि ये वीडियो में क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। ये अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, इन्हें कुछ लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं, और इनके जो फैंस हैं वो पावर स्टार बोलते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये किसी सेलिब्रिटी, किसी सुपरस्टार, किसी कलाकार शोभा देता है किसी कलाकार को इस प्रकार की हरकत करना? मैंने तो आज तक कभी
किसी बड़े कलाकार को इस प्रकार की हरकत करते नहीं देखा है और ऐसा आप लोग देखेंगे भी नहीं। बॉलीवुड में आपको ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलेगा कि इतने बड़े सुपरस्टार हों और छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हों और लाइव वीडियो बनाकर धमकाने का काम करते हैं। पवन सिंह इस बात से नाराज हो गए कि महेश पांडे ने उनके खिलाफ कुछ वीडियोस क्यों बना दी, लेकिन महेश पांडे ने भी लाइव आकर अपनी वीडियो में कहा कि भैया दूसरी तरफ से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं। आप सभी लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि कितने ही सारे यूट्यूबर हैं, जैसे मगैया जवान, जैसे छोटू चिंगारी और भी न जाने कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो खेसारी लाल यादव के पीछे ही पड़े रहते हैं, जो आए दिन खेसारी लाल यादव को टारगेट ही करने लगते हैं, जिसके बाद खेसारी लाल यादव भी कई बार परेशान हो गए थे, वो भी लाइव वीडियो में आकर गुस्सा हो गए थे, और एक बार फिर से जब इनके ऊपर एक ही यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है तो पवन सिंह भी बिलबिला गए, गुस्सा हो गए और इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए कि उस यूट्यूबर को मारने तक की धमकी दे दी। बहुत सारे लोग तो ये भी बता रहे हैं कि होली के दौरान खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों ने ही गाने रिलीज़ किए थे, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाने बहुत ज़्यादा देखे गए, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहे और खेसारी लाल यादव ने दर्जनों गाने होली के अवसर पर रिलीज़ किए और YouTube में भी काफ़ी ज़्यादा उनके गाने लंबे समय तक ट्रेंडिंग में भी रहे। वहीं पवन सिंह ने मात्र 3 या 4 गाने ही होली में रिलीज़ किए और उनका एक गाना ट्रेंडिंग में रहा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद एकदम नीचे चला गया। और जब इस प्रकार की चीज़ें YouTube के ऊपर हुई इन दोनों कलाकारों के साथ, तो बहुत सारे YouTube न्यूज़ जो बनाते हैं भोजपुरी से संबंधित, उन्होंने ये आकलन किया और ये पाया कि खेसारी लाल यादव अपने गानों को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसीलिए उनके गाने ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं और इसीलिए वो भोजपुरी के नंबर 1 सुपरस्टार हैं। वहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये बताया कि पवन सिंह अब मेहनत पहले की तरह नहीं करते हैं और इसीलिए उनके गाने ज़्यादा लंबे समय तक ट्रेंडिंग में YouTube वीडियोस के ऊपर नहीं रहते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेशन में आकर पवन सिंह ने इस प्रकार की हरकत दारू पीकर की है। लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं, अगर ये अपने आप को सेलिब्रिटी बोलते हैं, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ऐसे लोगों को शोभा नहीं देती है। अगर आप सेलिब्रिटी हो, अगर आप सुपरस्टार हो, तो आपको उस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा और यदि आप नहीं कर सकते तो आपको सेलिब्रिटी कहलाने का, सुपरस्टार कहलाने का, नंबर 1 थंबर 1 इस तरह का कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपने बॉलीवुड में देखा है कि बॉलीवुड वाले इस प्रकार की हरकत करते हों? अरे कितने ही यूट्यूबर हैं, कितने ही सारे वीडियोस बनाने वाले हैं जो कितने लोगों को गालियाँ देते रहते हैं। बहुत सारे लोग सलमान खान को, शाहरुख खान को और भी तमाम कलाकार हैं उनको गालियाँ देते रहते हैं। मैंने कभी उनको तो नहीं देखा कि वो लोग लाइव वीडियो बनाते हों और उस आदमी को सीधा टारगेट करते हुए उलझुल बात अपने मुँह से निकालते हों। लेकिन यहाँ पर भोजपुरी में ये लोग अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी भी सहन शक्ति नहीं है कि इन सारी चीज़ों को ये इग्नोर कर दें। जब आप बहुत बड़े हो जाते हो, जब आप सुपरस्टार हो जाते हो, तो आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़ते हैं, आपको बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन यही आपकी असली परीक्षा होती है कि आप अपने ऊपर कितना ज़्यादा संयम रख पाते हैं। और जो अपने ऊपर संयम रख पाता है वही लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में बना रहता है। लेकिन जब से पवन सिंह की इस प्रकार की वीडियो आई है, उसके बाद चारों तरफ से ही पवन सिंह की थू-थू हो रही है। सब लोग, चाहे उनके फैंस ही क्यों ना हो, वो लोग इन्हें गालियां देने का काम कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जब से भोजपुरी के अंदर खेसारी लाल यादव आए हैं, पवन सिंह का ग्राफ एकदम से ही नीचे चला गया है और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे हैं और उनकी इस लाइव वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन भी साफ साफ नज़र आती है। आप सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।